व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक की लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव की एक शॉर्ट ट्रिक। अगर उससे पहले आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो इन फ्यूचर ऐसे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की हमारी जो डेरिवेटिव की मैथ की शॉर्ट ट्रिक है, आप JEE गुजकर और NCERT की कोई भी एग्जाम में विदिन 4 to 5 सेकंड में आपका आंसर ला सकते हो और MCQ में अच्छे से पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक कैसी है, आप यहाँ पे फॉर्म देख रहे हो y=f(x)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 f(
शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है dy by dx is equal to y dash is equal to y square upon 1 minus log y f dash x upon fx, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखना है नीचे f of x. डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डेरिवेटिव का मतलब गुजराती में होता है विकलन. उसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक सेम टू सेम आंसर ऑप्शन में अगर ऐसे आंसर दिया है तो ये भी उसकी इसका ही फॉर्म है वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर अपन वन माइनस वाई लॉग फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन दिया है वो, और बाजू में ये तो सेम ही रहेगा. तो एक एग्जांपल से हम थोड़ा सीखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है मेथड को. तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉस एक्स रेस टू कॉस एक्स रेस टू कॉस एक्स सो ऑन. तो इसका डेरिवेटिव मुझे अगर फाइंड करना है dy by dx मुझे फाइंड करना है क्या होगा, तो क्या करोगे, ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो y square upon 1 minus log y, तो ऐसा ही हमने लिख दिया f dash x. फंक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फंक्शन है हमारा cos x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा. तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, तो ऊपर डिफरेंशिएशन माइनस साइन x नीचे cos x. तो इसका सिंप्लीफिकेशन करो y square upon 1 minus log y cos sin upon cos, बच्चों क्या होगा माइनस टेन हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया. अगर इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखें, ये वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग फंक्शन. हमारा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, तो हमारा फंक्शन कॉस एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो माइनस टेन एक्स ही हमारा आंसर है ना. डन बच्चों. अगर हम दूसरा सम भी यहाँ पे देखते हैं, अगर दूसरा सम हमें देखना है तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ थोड़ा. मैं सम को थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, मैं फंक्शन लिखता हूँ e रेस टू x, e रेस टू x, e रेस टू x, सो ऑन. मेरा ऐसा फंक्शन है, मैं e रेस टू x तो बहुत ईजी है, 2x लिख देता हूँ. चलो कितने भी फंक्शन हो ऐसा, dy by dx फाइंड करना तो ईजी, dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन वन माइनस log y, तो ऐसा ही रहेगा बच्चों. हमारा f of x क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स है e रेस्ट टू 2x, और इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है 2 e रेस्ट टू 2x हो जाएगा. तो ऊपर आएगा 2 e रेस्ट टू 2x, नीचे आएगा e रेस्ट टू 2x, e रेस्ट टू 2x, e रेस्ट टू 2x का, तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y इनटू 2 हमारा आंसर आएगा. अगर मुझे इस वाले फॉर्म में लिखना है तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है बच्चों, e रेस्ट टू 2x, और यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो हमारा ये था, इसका आंसर तो 2 आ रहा है, तो बाजू में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे. तो आई होप कि आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. विद इन 4 to 5 सेकंड आप इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स हमको गिवन है उसका एफ डैश एक्स में हम कोई गलती करें नहीं, मतलब उसके डिफरेंशिएशन विकलन में हमारे से कोई गलती हो नहीं. तो दो सम में अगेन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ यहाँ पे 1 और 2. पहला सम में दे रहा हूँ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स सो ऑन. इसका आपको डेरिवेटिव वाई डैश फाइंड करना है. और दूसरा मैं दे रहा हूँ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स सो एन. इसका भी मैं डेरिवेटिव फाइंड करने को आपको बोल रहा हूँ. तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया. आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आगे जिसको रिक्वायरमेंट है उस सारे स्टूडेंट तक पहुँचाइए. मिलते हैं ऐसे ही नहीं कोई ट्रिक में नेक्स्ट. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. थैंक यू.